नमस्कार, कुकिंग में शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बहुत तरह के मसाले बनाए हैं और आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किए। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए किचन किंग मसाला। ये एक ऐसा मसाला है जो आप किसी भी सब्जी में डाल लें तो सब्जी का स्वाद जो है बहुत ही बढ़िया होता है। इसको तकरीबन आप सभी सब्जियों में डाल सकते हैं और आप देखें आपकी रेस्टोरेंट से भी अच्छी जो है सब्जी बनकर तैयार होगी। इतना टेस्टी और बढ़िया ये किचन किंग मसाला बना, बिल्कुल उसी तरह का जैसे कि एवरेज के मसाले होते हैं उसी तरह का ये किचन किंग मसाला बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना मसाला बनाना। इसके लिए हमने एक पैन रख दिया इस तरह से, कोई भी नॉनस्टिक पैन ले सकते हैं या कोई भी आपके पास पैन हो, कढ़ाई हो, आप ले लें। गैस के नीचे से ऑन कर देंगे और इसमें डालेंगे 12 लाल सूखी मिर्चें। इसकी डंडी लगी होती है, इस तरह से इसकी डंडी ऊपर से निकाल लें और फिर जो है इसको ये 12 सूखी मिर्चें इसमें डाल दें। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे इस तरह से लगातार हिलाते हुए। मीडियम हाई फ्लेम में हमने इसको जो है ड्राई रोस्ट कर लेना है। हमने जो है इसका कलर चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी, हमने सिर्फ इसकी नमी को दूर करना है ताकि हमारा मसाला जो है बहुत बढ़िया बने। इसकी ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है कि फ्लेवर बहुत ही बढ़िया मसाले का आता है, इसके साथ साथ इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये ड्राई रोस्ट करने मसालों को बहुत ही ज़रूरी है कि बिल्कुल स्किप ना करें। तो इस तरह से हल्का हल्का जो है इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है बिल्कुल लगातार हिलाते हुए। तो ये 12 मिर्चें जो है हमने ड्राई रोस्ट कर ली हैं, गैस के फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देंगे और इन मिर्चों को जो है एक प्लेट में किसी भी थाली में इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें अपना अगला इंग्रेडिएंट और वो है दालचीनी। दालचीनी की जो है हमने लंबी लंबी स्टिक्स दी हैं इस तरह से, तो ये 3 लंबी स्टिक्स डाल देंगे। छोटी हो तो 5-6 डाल लें और इस तरह से लंबी हो तो इस तरह से आप जो है 3 स्टिक्स इनफ हैं। तो इसको भी हल्का हल्का हमें ड्राई रोस्ट कर देना है, फ्लेम जो है मीडियम हाई कर लेंगे इस तरह से। इसको आधे मिनट के करीब जो है हमने ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा देर नहीं करना है। कई लोग पूछते हैं कि सारे मसाले हम इकट्ठे क्यों नहीं ड्राई रोस्ट कर लेते, वो इसलिए कि हर किसी का टाइम पीरियड जो है डिफरेंट है। अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे ये हमने आधा मिनट जो है इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है और आधा मिनट हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे उसी प्लेट में जो है इसको भी निकाल लेते हैं। गैस के फ्लेम बिल्कुल हल्का कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपना जीरा। जीरा जो है इसमें 4 टेबलस्पून के करीब डालेंगे। अब आप देखेंगे ये जीरा जो है एक बार पैन गर्म हो जाए तो जीरा जो है अच्छे फटाफट से जो है ये भून जाता है, ड्राई रोस्ट हो जाता है। ये देखिए बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि ये ड्राई रोस्ट होने लगा है। इसको लगातार हिलाएंगे ताकि कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ड्राई रोस्ट ना हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसके अंदर जो है ज़्यादा होने ड्राई रोस्ट होने के कारण थोड़ी बिटरनेस भी आने लगती है। ये देखिए कलर जो है बिल्कुल चेंज होने लगा है, साथ में आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा जीरा जो है ये अच्छे से भुना जा रहा है, बहुत ही जल्दी भुनकर जो है ये रेडी हो जाता है। ये देखिए इसको भी साथ में ही निकाल लेंगे, आधे मिनट में ही ये जो है भुन लिया, तो इसको भी हमने निकाल लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे अपनी मोटी इलायची, हम तकरीबन 6 से 7 मोटी इलायची डालेंगे और इसके साथ ही जो है हम छोटी इलायची डालेंगे, वो भी हम 6 के करीब डालेंगे, 4 से 5 डाल लें या 6 डाल लें। इसके साथ ही हम इसमें 2 नटमेग भी डाल लेंगे, गैस के फ्लेम लो कर लेंगे क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है, और इसको इस तरह से लगातार हिलाएंगे, इसकी भी नमी को दूर करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से मसाला बहुत ही लंबे समय तक बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, साथ में इसमें जो खुशबू है जो फ्लेवर है वो बरकरार रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। इस तरह से हमने इसको हिला लिया है, इसको भी निकाल लेंगे। तकरीबन आधे मिनट के लिए ही हमने जो है इन सब चीज़ों को करा है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च हमने जो है 1.5 टेबलस्पून डाला है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सरसों, ये हमने काली सरसों डाली है, इसको मस्टर्ड चीज भी कहा जाता है, और इसके साथ ही हम इसमें आधा चम्मच जो है ये ब्राउन वाली मस्टर्ड चीज डालते हैं, ये आधा चम्मच ही डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब काली जीरी, ये भी ग्रॉसरी शॉप में किसी भी ग्रॉसरी शॉप में आराम से मिल जाती है। इन सब को इकट्ठे ही हमने जो है ड्राई रोस्ट कर लेना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखेंगे। ध्यान रहे ये सब तीनों चारों चीज़ें करने के लिए जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल हल्का रखेंगे, हमने इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है, इसको सिर्फ हमने 20 से 30 सेकेंड्स के लिए ही ड्राई रोस्ट करना है। बहुत जल्दी ये ड्राई रोस्ट हो जाता है,
तो ये राइरोस हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। ये सब इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़रूरी है इस मसाले के लिए। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना सौंफ। सौंफ हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच, एक टेबल स्पून के करीब। तो सौंफ ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे जावित्री के फूल। ये हमने चार जावित्री के फूल डाल लेने हैं और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे चार बड़े चम्मच के करीब कसूरी मेथी। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, लगातार हिलाएंगे, फ्लेम जो है मीडियम करेंगे। कसूरी मेथी बहुत ही जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और ये जावित्री के फूल को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने जो है इसको तकरीबन आधे मिनट के लिए ही ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्के फ्लेम में। तो ड्राई रोस्ट हो चुकी है, आधा मिनट भी हो चुका है, और इसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सूखी साबुत धनिया, ये हमने इसमें जो है 3 टेबलस्पून डाले हैं। इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे हल्के फ्लेम में, हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। इस तरह से गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखेंगे और लगातार इसको हिलाएंगे ताकि सब जगह से जो है ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए। तो लीजिए, ये आधे मिनट हो चुका है और ये अच्छे से ड्राई रोस्ट भी हो गया। इस तरह से इसको हिलाएंगे एक बार, ये देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से ये ड्राई रोस्ट हुआ है। बहुत ही बढ़िया मसालों की जो है खुशबू आ रही है, इसको भी जो है निकाल लेंगे। गैस को कर देते हैं बंद, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो सारे मसाले आप देख सकते हैं हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिए हैं, इसको साइड कर लेंगे मसालों को। अब हम लेंगे मिक्सी का सबसे छोटा वाला जार जिसमें मसाले पीसे जाते हैं, और इसके अंदर डालेंगे हम अपने ड्राई मसाले। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हींग। हींग हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/3 स्पून के करीब। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर इस तरह से बॉटल में मिलता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ये तकरीबन जो है हम आधा चम्मच के करीब या 1 चम्मच के करीब डालेंगे, बिल्कुल छोटा चम्मच हमने लिया है, बिल्कुल छोटा चम्मच जो है वो डालने इसमें 1 चम्मच। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अनियन पाउडर। अनियन पाउडर भी बाज़ार में इस तरह से बॉटल में मिलता है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप परचेज कर सकते हैं। ये भी जो है हम इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देंगे, ये देखिए बिल्कुल छोटा चम्मच है, 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। ये छोटा चम्मच है जिससे हम खाना खाते हैं, उसी की मेजरमेंट जो है हमने ली है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे जिंजर पाउडर, वो भी हम इस तरह से 1 छोटा चम्मच डाल लेंगे। इसके अंदर अब हम डाल देंगे अपना हल्दी पाउडर, नॉर्मल हल्दी जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें 2 छोटे चम्मच हल्दी की डाल देंगे, ये देखिए 2 छोटे चम्मच हमने हल्दी की डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप इसमें नॉर्मल नमक डालें या आप सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। तो नमक हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया। अब हमने जो मसाले ड्राई रोस्ट किए हैं वो उठा लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके जो है इसको पीस लेंगे, थोड़ा डालें इसको पीसें और फिर थोड़ा सा इसमें मसाला और डाल दें। इसी तरह से हमने जो है सारे मसाले पीस कर बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। मसाले को हमने पीस दिया है, चेक कर लेते हैं। लीजिए, बहुत ही बढ़िया मसाला बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी टाइप का बना है जिस तरह से बाजार का MDH का किचन किंग मसाला होता है। लेकिन बिल्कुल उसी तरह का ओरिजिनल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम लेंगे एक कोई भी प्लेट और इस तरह से कोई भी एक स्ट्रेनर ले लेंगे, और ये जो है हम अपना मसाला थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से डाल देंगे और इसको जो है छान लेंगे। इस तरह से इसको छान लीजिए, ये देखिए इस तरह से छानने के बाद हम बहुत ज़्यादा जो है इसको प्रेस नहीं करेंगे, चम्मच से दबा दबा कर हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ इस तरह से हल्के हाथ से जो है हम छान लेंगे, और ये जो मोटा मोटा आएगा इसको जो है हम अलग निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सारे मसाले को छान लेंगे, ये देखिए मोटा मोटा जो मसाला निकलेगा ये जो है आप चने बनाएं तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सब्जी में आप इसको डाल सकते हैं। किसी टाइम आप राइस बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, उसमें भी इस मसाले को डाला जा सकता है। तो इसको फेंकिएगा नहीं, या तो इसको दोबारा पीस के दोबारा ग्राइंड कर लें एक बारी और इसी तरह से छान लें, नहीं तो जो है ये अलग से रखा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमने अलग से जो है इसको मोटा मसाला निकाल लिया है, ये भी यूज़ हो जाएगा, और ये मसाला जो है बिल्कुल ओरिजिनल जो है किचन किंग मसाले की तरह जो है बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए
लग रहा है ना बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह से बाजार में हमें मिलता है। मसाला जो है लंबे समय तक बिल्कुल ठीक रहता है। इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर कर रखने तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल लंबे समय तक जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इसमें इतनी अच्छी बढ़िया सी खुशबू आ रही है कि आप बिल्कुल जो है कंपेयर करेंगे अगर बाजार के किचन किंग मसाले से तो आपको पता लगेगा कि बिल्कुल जो है मसाला सेम बनकर ये तैयार हुआ है। इसी तरह से आप भी बनाइए और इसे किसी भी सब्जी में डालकर जो है आप यूज़ कर सकते हैं और सब्जी का स्वाद आप देखें किस तरह से दुगना तिगना हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।